नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल और परसों आपका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है यूपी पुलिस का, जिसकी तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे और उसी तैयारी को और धार देने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। ये क्लास आपकी उस तैयारी में चार चांद लगा देगी। अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो गारंटी मानिए कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। जहां मेरिट की बात होगी वो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। साहित्य एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर प्रश्न आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का जो संकलन है वो यहां से बनता है। तो आइए देर ना करते हुए आप और मैं इस क्लास के जरिए उस एग्जाम में जो आपकी आस है, जो आपकी सपनों की नौकरी है, उसके लिए हम आइए शुरुआत करते हैं। आप आज ही इस क्लास को देख लीजिए, कल और परसों होने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साहित्य के विषय पर हम चर्चा करेंगे, इससे 5 या 6 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं जो बनने वाले हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की। तो सबसे पहले, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम इसमें जो शुरुआत कर रहे हैं वो है हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार। जो भी पुरस्कार हैं या साहित्य में जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड हम चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसको हम जरा देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। किस किस में? आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और आधुनिक काल या गद्य काल। आप क्या कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आदिकाल, एक पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं। ये 4 भाग हैं जिनमें हिंदी साहित्य को हमने बांटा है। ठीक है, तो एक एक करके उनके लेखक, उनकी रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आप ये सन को छोड़ दीजिए, आप इसे याद ना करिए, जरूरत नहीं है, इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। आप सिर्फ याद रखिए, सबसे पहले आदिकाल या वीरगाथा काल आता है, जहां वीर योद्धाओं का वर्णन मिलेगा, वीर रस की रचनाएं मिलेंगी आपको। उसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल आएंगे, जिसमें तुलसी आएंगे, कबीर आएंगे, ठीक है, रैदास आएंगे, मीरा आएंगी, ये वो काल है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, ये वो काल है जब मुगल भारत में थे, उस समय का ये काल है। ठीक है, इसके बाद मुगल और ब्रिटिश दोनों ही थे। आधुनिक काल यानी वर्तमान काल, आधुनिक काल का मतलब क्या है? वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो 1900 से लेकर अब तक जो काल चल रहा है उसे हम आधुनिक काल या क्या कहते हैं, आधुनिक काल या गद्य काल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जरा देखते हैं अब इसमें हम देखें आधुनिक काल के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहां पर जरा देखिए, जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल और प्रारंभिक काल या आरंभिक काल या बीजोपन काल आदि नामों से जाना जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात ये हमें देखनी है कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की जो समय सीमा है उसे 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा है उसे 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच माना है। ठीक है, आदिकाल की चीजें हैं ये, इसमें आप याद नहीं करिए, लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया गया, ये बहुत डिंगल पिंगल ये याद रखना। आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया गया? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था आदिकाल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था, यह चीज आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण कि जो आदिकाल का नामकरण हुआ है वो किस किस आधार पे हुआ है, और इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आदिकाल के जब नामकरण की हम बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा, मतलब आदिकाल नाम किसने दिया, यानी वीरगाथा काल जो है या जिसे हम आदिकाल कहते हैं उसका नाम आदिकाल किसने दिया? तो हम कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद शुक्ल ने इसे क्या कहा? वीरगाथा काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा? वीरकाल कहा।
राहुल सांकृत्यायन ने इसे क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। गणपति चंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बीजोपन काल कहा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा? चारण काल कहा। ये चीज हम ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संक्रातन ने। और आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये आप बहुत महत्वपूर्ण है और आप याद कर लीजिए इसे, ये पेपर में आ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे, जरा देखिए, इसके अलावा जो आप देखेंगे वो आदिकाल की कुछ रचनाएं देख लेंगे, आदिकाल की कुछ कवि देख लेंगे जिनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कि खुमान रासो के लेखक कौन है? तो आप देखेंगे खुमान रासो के जो लेखक हैं वो कौन है? वो दलपति विजय है। कौन है? दलपति विजय। रासो जिनके पीछे लगा हो, क्या रासो जिनके पीछे लगा हो, तो आप समझ जाइए कि जो रासो लगा है वो वीरकाल या वीर गाथा काल से संबंधित है या आदिकाल से संबंधित है। जिनके पीछे रासो लगा है वो वीर गाथा काल से संबंधित है। तो ये वीर गाथा काल के कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं। चंद्रवरदाई, क्योंकि तो हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार हैं और इन्हीं का ने महाकाव्य लिखा है हिंदी का, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई किसके लेखक है? पृथ्वीराज रासो के। यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई। और कई पेपर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, बीसल देव रासो ये किसकी रचना है? नरपति नाहल की है। परमाल रासो किसकी है, जिसे हम आलाखंड के नाम से जानते हैं? तो जगनिक की है। परमाल रासो आलाखंड किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। हमीर रासो किसकी रचना है? ये सारंगधर की रचना है। विजयपाल रासो इनर नल सिंह भाट की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पता का पदावली लिखनावली ये किसकी है? ये विद्यापति की है। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना है जरा ध्यान से, कि जगनिक जो हैं ये राजा परमिर देव जो थे परमाल वंश के, उनके यहाँ कवि थे, दरबारी कवि थे। आला उदल जहां थे वहां पे थे, इन्होंने रचना की थी परमाल रासो की, जिसे हम आला खंड कहते हैं। एक प्रश्न आता है बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है कि बताइए आला की जो शैली है, आला जो आपने आला सुनी होगी या पढ़ी होगी, आला की जो शैली है वो कौन सी है? तो आला की किस उपशैली में लिखा गया है? तो आप कहेंगे बनाफरी में। बनाफरी बुंदेली की जो उपशैली है जिसका नाम है बनाफरी, आला उसमें लिखी गई है। जो हम आला सुनते हैं वही है परमाल रासो, और ये लिखा किसने? जगनिक ने। इसके अलावा विद्यापति को क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल किसका उपनाम है? मैथिल कोकिल विद्यापति का उपनाम है, ये आप याद रखेंगे। मैथिल कोकिल किसका उपनाम है? विद्यापति का। ये बिहार के कवि थे, कीर्ति लता कीर्ति पता का पदावली लिखनावली ये इनकी रचनाएं हैं, मैथिली भाषा में ये कविताएं करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा सरपा दोहाकोश इनकी रचना है। सरपा इनकी रचना दोहाकोश है। तो अगर पूछे अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे, वो सरपा थे, याद रखना। अपभ्रंश के पहले कवि कौन थे? सरपा थे, इन्होंने दोहाकोश लिखा है। स्वयंभू भी अपभ्रंश के ही कवि थे। स्वयंभू भी अपभ्रंश के बहुत बड़े कवि हुए हैं, इसीलिए स्वयंभू को क्या कहते हैं हम? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, याद रखना। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पयुम चरयू रिट्ठे नेमी चरित, चरयू मतलब चरित, अपभ्रंश में लिखा है। अपभ्रंश मतलब हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप को हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप या पुरानी हिंदी है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे केदार भट्ट या भट्ट केदार को देखेंगे। केदार भट्ट इनकी रचना है जयचंद प्रकाश, क्या है? जयचंद प्रकाश। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। रेवंत गिरी रास है विजयसेन सूरी की। स्थूल भद्र रास है जिन धर्म सूरी की। संदेश रासक है अब्दुल रहमान की। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदिकाल या वीरगाथा काल की। आदिकाल या वीरगाथा काल को कई नाम से जाना जाता है, वो हमने पढ़ा था, उनका भी विशेष अपने महत्व है, तो वो चीजें भी देख लेना आप। इसके अलावा हम देखेंगे, अब यहां पे आ जाते हैं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं,
ठीक है, आप इन्हें देख लेना एक बार जरूर। ठीक है, आपको मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भक्ति काल में आप आते हैं, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की बात करते हैं। सबसे पहले पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की बात करते हैं। आप इसमें देखें, भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो भज धातु है उससे हुई है, ठीक है, और भक्ति काल या भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां हुआ है? श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसके आदि प्रणेता नारद मुनि हैं, नारद मुनि इसके आदि प्रणेता हैं, ठीक है। ब्रह्मा के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं नारद, किसके? ब्रह्मा के दत्तक पुत्र नारद कहे जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे हिंदी में साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों या अलवार संत। हिंदी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत के अलवार संतों या अलवार भक्तों की परंपरा से हुआ है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी, ये आप याद रखना। अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी, ठीक है। अलवार संत थे और नयनार, दो प्रकार के संत पाए गए दक्षिण भारत में, जिन्हें आपने आपने जीएस में पढ़ा होगा, अलवार संत और नयनार। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी, याद रखना। अलवार संत कितने थे? 12 थे, ठीक है। भक्तों में प्रथम भक्त थे नम अलवार या सटपोप। अलवार संतों के या अलवार भक्त पहले भक्त कौन थे? नम अलवार या सटपोप माने जाते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख आता है, आंडाल, ठीक है, इनका नाम प्रमुख आता है। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो आप याद रखना, दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की मीरा कौन है? आंडाल। आंडाल को हम दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं, ठीक है। और ये 12 अलवार संत हैं जिनके नाम दिए गए हैं। जोजा भक्तिन ये दिया है, गोदा भक्तिन, गोदा भक्तिन, या इन्हीं को हम आंडाल कहते हैं, ठीक है। गोदा भक्तिन को ही हम क्या कहते हैं? आंडाल। तमिल नाम आंडाल है इनका, वैसे यह गोदा भक्तिन, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भक्ति के आद आचार्य कौन है? भक्ति के आद आचार्य जो हैं वो रामानुज हैं, रामानुज हैं। कौन है? रामानुजाचार्य, जो भक्ति के आद आचार्य हैं। भक्ति दो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसके प्रमुख एक संत हैं रामानुज। और रामानुज के बारे में इनकी एक मूर्ति बनी है जो करंट में बहुत फेमस क्वेश्चन है इस समय, के स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा की मूर्ति जो कि रामानुजाचार्य की है, वो कहां पर है? तो आप बता देंगे ये कहां पर है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो है वो भारत में कहां पर है, जो कि रामानुजाचार्य की क्या है? मूर्ति है, स्टैचू है उनका, ठीक है। आप ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, अब आते हैं इसके बाद यहां पे, ये देखते हैं जरा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम बता रहे हैं, ठीक है। ग्रियर्सन जो थे, ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, ये आप बहुत महत्वपूर्ण है जो आप जानते हैं भी हैं। दो धाराएं थी इनकी भक्ति काल में, कौन सी दो धाराएं थी जरा आप देखिए, एक निर्गुण काव्य धारा थी जिसे, और एक सगुण काव्य धारा थी। निगुण, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब जहां निराकार, जहां भगवान का आकार नहीं है कोई, सगुण वो है जिसमें आकार माना गया है, उसे हम सगुण कहें। तो निर्गुण में दो धारा बटी थी, एक ज्ञान आश्रय जो ज्ञान से जुड़ी हुई शाखा थी जिसे संत काव्य कहते हैं। संत क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं ना, तो आप वैसे याद रख लेंगे ज्ञान आश्रय। प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय या प्रेमाख्यान, प्रेमाश्रय या प्रेमाख्यान सूफी काव्य था। दूसरा था रामाश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती थी। सगुण मतलब साकार में दो व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, राम का और कृष्ण का। तो इनसे जुड़े, राम से जुड़े हुए जो लेखक थे, राम की जो भक्ति करते थे वो रामाश्रय शाखा के कवि हैं, और जो कृष्ण की भक्ति करते थे जैसे सूरदास, मीरा, ये कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं। तो इस आधार पे हमने इन्हें बांटा है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जरा देखते हैं, इसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। ज्ञानाश्रय शाखा को देखते हैं जरा थोड़ा, तो ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहां देखेंगे कि ज्ञानाश्रय के प्रमुख कवि जो थे वो कबीरदास थे। कौन थे? कबीर के बारे में आपने पढ़ा है, कबीरदास ने ज्ञान ही ज्ञान दिया है। आप जब भी पढ़ते हैं उनकी ज्ञान की बातें मिलती हैं, जहां भी कबीरदास के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कबीरदास बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहां देखें, सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर का जो एक ग्रंथ है जैसे हम बीजक कहते हैं,
यानी एक संकलित ग्रह है जिसमें साखी सबद और रमेनी को संकलित किया गया है जिसका नाम है वीजक। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ज्ञानाश्रय के कुछ कवि देख लेते हैं, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कबीरदास के बारे में जानते हैं, इनकी बीजक है जिसमें साखी सबद रमेनी है। रैदास की बानी है, रैदास या रविदास, संत रविदास। ठीक है, रैदास या संत रविदास याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में नानक देव, इनकी रचनाएं जितनी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, और अर्जुन देव ने जिसका संकलन किया था, ठीक है, अर्जुन देव जो है उन्होंने इसका संकलन किया नानक का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद दादू दयाल के बारे में देखेंगे। अंगबधु दादू दयाल की रचना है। मलूक दास की रचना है रत्न खान और ज्ञानबोध। सुंदर दास की रचना है सुंदर बिलाप। सुंदर दास को आप देखेंगे, सुंदर दास की रचना सुंदर बिलाप, तो सुंदर से सुंदर याद रखना। मलूक दास की रत्न खान और ज्ञानबोध है, दादू दयाल की अंगबधु है। दादू की अंगबधु याद रखना, दादू दयाल की अंगबधु, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ चीजें और देख लेंगे जो महत्वपूर्ण है, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, सद्दूपड़ी। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है पेपर में, क्या पूछा गया कि कबीर की भाषा क्या थी, तो कबीर की भाषा थी वो सद्दूकड़ी थी, सद्दूकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी मतलब उनकी भाषा में बहुत विभिन्नता थी, उनकी भाषा में बहुत कुछ मिला जुला था, बहुत सारे कुछ शब्द अवधि के, कुछ ब्रज के, कुछ अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते थे, इसीलिए सद्दूकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया। पंचमेल खिचड़ी किन ने कहा, श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सद्दूकड़ी कहा। ये चीज आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ कवि हैं सगुण काव्य। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा वाणी का क्या कहा, डिक्टेटर कहा। तो याद रखना, किसको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, कबीरदास को, और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को, कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेमाश्रय शाखा यानी सूफी काव्य पर। सूफी काव्य पर, तो सूफी काव्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज देखते हैं, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख जो कवि थे, प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ परमात्मा और स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली, रट लो ये पेपर में छप सकता है, क्या है, मसनवी। सूफी संतों की या सूफी काव्य की शैली क्या थी, मसनबी शैली थी। क्या थी, मसनबी शैली थी, ये प्रमुख है। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं देख लेते हैं जरा जल्दी से, ये कौन कौन रचना है जो प्रेमाश्रय शाखा के कवि उनकी रचना है, जरा देखते हैं। मुल्ला दाऊद चंदायन बहुत आती है, ये बहुत याद रख लेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रमुख कवि हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कनावत चित्ररेखा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने पद्मावत लिखी है। ठीक है, पद्मावत एक महाकाव्य है जो रानी पद्मनी पर लिखा गया है। ठीक है, अखरावट और आखिरी कलाम बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आखिरी कलाम ये याद कर लेना। कुतुबुन की है मृगावती, मृगावती के लेखक कुतुबुन है। सत्यवती कथा ईश्वरदास है। मधुबालती जरूर याद कर लेना, मंजन की है। चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण है, उस्मान की है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो सूफी काव्य से जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखते हैं आप सगुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा की जब बात आती है तो इसमें दो धाराएं हैं, कौन कौन सी दो धाराएं हैं, एक है रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय। सबसे पहले रामाश्रय शाखा की बात करें तो रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास है। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, तो सीधी सी बात है वो रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। और अगर आपसे पूछा जाए कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे प्रमुख कवि कौन होगा, तो कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे प्रमुख कवि होंगे सूरदास। ठीक है, जल्दी जल्दी आज थोड़ा है तो आप याद रखिए कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं जिससे कि समय की बचत हो और ज्यादा से ज्यादा मैटर को कवर किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे तो इसके कुछ कवि देख लेते हैं, जैसे तुलसीदास की रचनाएं जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जरा हम देखते हैं यहाँ पे तुलसीदास की रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमें लगता है रामचरितमानस है ये, तो रामचरित राम कहाँ के थे, अयोध्या के, वहां अवधी भाषा है, तो थोड़ा ऐसे करके याद कर लेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि किस भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई।
विनय पत्रिका कवितावली ये ब्रज भाषा में है। ये किसमें है? विनय पत्रिका और कवितावली, ये याद रखना। ये दोनों कौन कौन सी रचनाएं? विनय पत्रिका, ये कई बार प्रश्न आया भी है, विनय पत्रिका और कवितावली। कवितावली ये किस भाषा में है? ये है ब्रज भाषा में। सूरदास ने इसे, वो तुलसीदास ने सॉरी, ब्रज भाषा में लिखा है। इनको किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है, ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा कृष्ण गीतावली, ठीक है, और देख रहे ना तुलसीदास है लेकिन लिख क्या रहे हैं? कृष्ण गीतावली। रामलला नछू, राम से बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी किसके गुरु थे? कृष्ण के, लेकिन तुलसीदास ने लिखा है वैराग्य संदीपनी। हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा, ये जरूर याद रख लेना, नहीं तुम गलत कर लो। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, लोग सूरदास लगा देंगे लेकिन याद रखना। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब कृष्ण और लगा है, ये भी सूरदास तुलसीदास की रचना है, सॉरी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जो संस्कृत भाषा का महाकाव्य है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जरा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, यहाँ पे जरा देखते हैं। जैसे रामानंद को देखते हैं, रामानंद ने जो है, रामानंद जो कि तुलसीदास के गुरु थे, रामानंद ने देखो देखेंगे राम आरती लिखी है, नावादास ने भक्तमाल लिखी है, केशवदास ने रामचंद्र का, बहुत प्रसिद्ध है ये, पूछा प्रबंध काव्य है रामचंद्र का, किसकी रचना है? केशवदास की। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है इनका, ठीक है। नर हरिदास पौरुषे रामायण लिखी है इन्होंने, अग्रदास राम भंजन ये सब लिखा है, ईश्वरदास भरत मिलाप, भरत मिलाप याद रखना ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास आपको दो जगह मिलेंगे, ईश्वरदास ऐसे कवि हैं जो आपको दो जगह मिलेंगे, एक जगह है इनकी आप सूफी काव्य में भी मिलेंगे और एक जगह है ये आपको भराम भक्ति शाखा में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जरा हम देख लेंगे ध्यान से। इसके बाद देखेंगे हम ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अब हम थोड़ा कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ महत्वपूर्ण कवि देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे सूरदास हैं, सूरदास की रचना सूर सागर, ब्रजभाषा में साहित्य लहरी, सूर सूरावली, भ्रमर गीत, बहुत सारी रचनाएं सूरदास की, नरसिंह जी का मायरा, सबसे प्रमुख कवि हैं सूरदास ब्रजभाषा के। मीराबाई हैं, ठीक है, मीरा जी गीत, गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, ये मीरा उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। रसखान प्रेम वाटिका याद रख लेना, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की है। सुदामा चरित किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुदामा चरित नरोत्तम दास ने। और इसके अलावा अष्ट छाप के कुछ कवि देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है अष्ट छाप के कवि देखते हैं, अष्ट छाप के कवि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अष्ट छाप के कौन कौन कवि हैं? ये आठ जो कवि लिखे हैं ये अष्ट छाप के कवि हैं, ठीक है। सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, परमानंददास, चतुर्वेदी। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा तो बताइए इनमें से कौन सा अष्ट छाप का कवि नहीं है या है, तो आप बता देंगे ये आठों कवि जो है वो अष्ट छाप के कवि हैं, जिनमें सूरदास प्रमुख कवि हैं अष्ट छाप के। इन्हें अष्ट छाप का जहाज कहते हैं, अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है, इन्हें अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है, किसे? सूरदास को, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ संप्रदाय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है, ये आप देख लेना जरा थोड़ा, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आप इन चीजों को देख लेना जरा, ठीक है। जो भक्ति काल ये संप्रदाय हैं इनमें आप देख लेना, अद्वैतवाद, शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत, ये आपने पढ़ा होगा, मीमांसा दर्शन के जैन नहीं है, सांख्य दर्शन के पतंजलि नहीं है, कपिल है, ठीक है, ये चीजें आप जरा देख लेना। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाइए रीतिकाल में, अब जरा जब हम रीतिकाल में आते हैं तो रीतिकाल में थोड़ी चीजें देखेंगे कि रीतिकाल जो है, ठीक है, अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतिकाल में क्या था? अधिकांश जो कवि थे वो दरबारी थे। तो रीतिकाल में ये देखो, बिहारी कहाँ पे दरबारी कवि थे? जयपुर और आमेर में थे, चिंतामणि नागपुर में थे, केशवदास ओरछा में थे, भूषण पन्ना में थे, भिखारीदास प्रतापगढ़ में थे, अवध के थे, बोधा पन्ना में थे, कुलपति मिश्र जयपुर में थे, देव पिहानी में थे, मतिराम बूंदी में थे और रघुनाथ काशी में थे। ये कुछ कवि हैं जो कहाँ कहाँ के दरबार में कवि थे इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण उसका, इसे एक बार एक नजर से देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये हैं, यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो क्या बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा, रीतिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, क्या कहा है? अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। तो अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल या रीतिकाल एक ही काल है। सबसे महत्वपूर्ण जो रीतिकाल में है वो क्या है? वो ये है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है रीतिकाल में वो ये है। वो क्या है? तीन चीजें हैं रीतिकाल का वर्गीकरण तीन हिसाब से करते हैं, एक रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति बद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीति सिद्ध, सीधा सीधा प्रश्न आएगा,
कि बताइए रीति सिद्ध का अवधारा के कवि कौन है। रीति सिद्ध तो बिहारी, कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सत्सई लिखी है ये रीति सिद्ध का अवधारा के कवि हैं। याद रखना बिहारी सिद्ध हैं, रीति में सबसे प्रमुख कवि, रीति काल के सबसे प्रमुख कवि कौन है, कवि बिहारी हैं, विरह अनुभूति के कवि हैं, विरह के कवि हैं ये, ठीक है। तो रीति सिद्ध के कवि कौन है, बिहारी हैं। रीतिबद्ध में चिंतामणि हैं, केशवदास जिन्होंने रामचंद्र का लिखी थी, मति राम है, सेनापति हैं और देव हैं, ये जो हैं वो रीतिबद्ध के हैं। किसके हैं, रीतिबद्ध, जरूर रट लेना, एक ही प्रश्न यहां से बनेगा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। धनानंद, ठीक है, रीति मुक्त, आलम, बोधा, ठाकुर, ये किसके कवि हैं, ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये, आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे रीति काल के कुछ प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं देखेंगे, बिहारी जैसे हैं, बिहारी सत्सई लिखा है, चिंतामणि, इनकी श्रृंगार मंजरी और रसबिलास प्रमुख हैं, ठीक है। और जरा थोड़ी देख लेते हैं कुछ रचनाएं, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण आ सकती है, वो थोड़ी मैं बता दे रहा आपको कि कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको आप जरूर देख लेना और नोट कर लेना कि किस किस रचना को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सबसे महत्व जसवंत सिंह की जो एक रचना है, यहाँ देखेंगे भाषाभूषण, इस पे डार्क है, वो आप जरूर देख लेना एक बार, भाषाभूषण इसकी रचना है, जसवंत सिंह की है, ठीक है। भूषण की याद रख लेना, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण है, ठीक है। फिर इसके बाद आप केशव दास की रामचंद्र का और विज्ञान गीता, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो रचना है वो जो महत्वपूर्ण बनेंगी वो आपको बता दे रहे, जितनी भी डार्क हैं, जितनी भी डार्क की गई हैं वो इसीलिए हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उन्हीं को जरा देखना है एक बार, जो डार्क डार्क आपको डार्क लिखे हैं, डार्क शब्द, उन्हीं को जरा देखना है, तो उन पे जरा ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है। भावविलास कवि देव की रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, भावविलास ये याद रखना, ठीक है। भवानी विलास, देव शतक, ये सब देव की रचना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये आधुनिक काल का वर्गीकरण कैसे है, आधुनिक काल को चार भागों में हमने बांटा है, कौन कौन है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है और छायावादोत्तर युग है। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे प्रश्न ज्यादा बनेंगे नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो कौन सी चीज ऐसी महत्वपूर्ण है जो आज, जैसे भारतेंदु युग को हिंदी का सर्वप्रथम युग माना जाता है, हिंदी गद्य का, किसका, काव्य, अब गद्य आ गया है, अब काव्य नहीं है, अब गद्य आ गया है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है, भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के नाम दिया गया क्योंकि भारतेंदु तो महत्वपूर्ण योगदान था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम नाटककार ये माने जाते हैं, हरिश्चंद्र प्रथम नाटककार इन्हें कहते हैं, रंगमंच का जनक कहते हैं, हिंदी गद्य का जनक कहते हैं या पितामह कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक हैं, हिंदी गद्य के पिता हैं, भारतेंदु युग के जनक हैं या प्रथम नाटककार हैं, प्रथम निबंधकार हैं, प्रथम आलोचक हैं, प्रथम पत्रकार हैं, इनके नाम से आप देखेंगे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो खड़ी बोली ज्यादातर प्रयोग की गई है, ठीक है। द्विवेदी युग में देखेंगे कुछ रचनाएं जिनकी महत्वपूर्ण हो सकती है, मैं बता देता हूं वो कौन कौन है, ठीक है। और ज्यादातर खड़ी भाषा है, ब्रज भाषा को अपनाया गया है गद्य काल में, ठीक है। इसके अलावा हिंदी कई पत्रों का संपादन हुआ, उनकी अलग अलग देख लेंगे उन्हें, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसके बारे में देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, भारतेंदु युग के कुछ कवि उनकी रचनाएं देखते थे, जरा देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, इनकी सारी रचनाएं जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, ठीक है, विद्या सुंदर जो बांग्ला भाषा में अनुदित है, ये तुम देखना, प्रेम पचासा, विनय प्रेम पचासा, ये देख लेना, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देख लेना, हटी अमीर, मन की लहर, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जो के थे, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था कानपुर से, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, ये कानपुर से नहीं, सॉरी, देख लेना जरा किससे किया था, लेकिन ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अब्र जिसे नोट, अब्र अंबिका दत्त व्यास है, ठीक है, ठीक है, उपनाम से कविताएं लिखते किया करते थे, ये प्रेमघन के उपनाम से कविताएं करते थे, कौन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारत भाग्योदय और वर्षा बिंदु, इनकी दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राधा कृष्णदास, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की देवयानी और राधा कृष्णदास की भारत बारहमासा, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा और बढ़ते हैं, अब द्विवेदी युग में देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, ठीक है,
इसमें बहुत महत्वपूर्ण कई कवि हैं, उनके बारे में जरा देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनसे रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे द्विवेदी युग के कुछ कवि हैं जिनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिनकी काव्य मंजूषा है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध ने लिखा है, किसने लिखा है? हरिऔध ने लिखा है। वैदेही वनवास बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचना। परिजात, परिजात है लेकिन अगर एक कहें पारिजात, पारिजात, परिजात इनका है लेकिन पारिजात है नासरा शर्मा का, नासिरा शर्मा, नासरा शर्मा की रचना है पारिजात। तो ये परिजात है लेकिन वो नासरा शर्मा का। चौखे चौपते याद रखना, प्रेम प्रपंच ये हरिऔध के हैं सब, ठीक है, ये चीजें जरा देख लेना। इसके अलावा आप देखेंगे हरिऔध कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी हरिऔध को, ये भी चीज देख लेना, कवि सम्राट कहा जाता है हरिऔध को, ठीक है। इसमें श्रीधर पाठक का देख लेना, कश्मीर सुषमा और गया प्रसाद सनेही की प्रेम पच्चीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पथिक के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। पथिक एक बार फिर कह रहे हैं, इस पथिक को रट लेना, पथिक के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है रचना ये। इसके अलावा देखेंगे कि अब छायावादी युग यानी शुक्ल युग कहेंगे जिसे, ठीक है। तो यहाँ कई लेखक हैं जिनके रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर क्या पड़ा है? शुक्ल युग पड़ा, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण कवि देख लेते हैं इस काल के, जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो जैसे जयशंकर प्रसाद है, छायावाद के कवि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आंसू है, झरना है, लहर है, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है, उर्वशी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये इनके लिए ये याद रखना। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, तो याद रखना उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की भी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है, यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद रामधारी दोनों दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों है तो इसका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर ही होगा, ठीक है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम कृति है, ये याद रखना, कामायनी जय महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। झरना छायावादी युग का प्रथम काव्य संग्रह है, इसे याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा, ध्यान रखना एक भारतीय आत्मा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी रचना अनामिका है, परमिल है, तुलसीदास है, ठीक है, कुकुरमुत्ता है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, जितना भी हाईलाइटेड है उसे बहुत महत्वपूर्ण समझिए और उसे एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, जो भी हाईलाइटेड है उसे एक बार जरूर देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे महादेवी वर्मा, यामा है, यामा रश्मि रथी नीरजा निहार अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है जो, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हें यामा के लिए 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सॉरी 1982 में, इन्हें यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये याद रखना, ठीक है, इन्हें यामा के लिए 1982 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है सुमित्रानंदन पंत देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत से रिलेटेड रचनाएं लोकायतन, गुंजन, ठीक है, युगवाणी, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, व्यास सम्मान मिला था इसके लिए। उदय शंकर भट्ट की अमृत और विष बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना, ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत को बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है, जो जो हाईलाइटेड है, फिर से कह रहा हूं एक बार, जो हाईलाइटेड है उन्हें जरूर देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट, इसके अलावा आप छायावादोत्तर यानी शुक्लोत्तर युग देखेंगे, तो शुक्लोत्तर युग में कुछ कवि नहीं है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जैसे इसमें जो लिखी है वो आप देख लीजिए बस। माखनलाल चतुर्वेदी है जिनकी हिम तरंगिनी है, ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1956 में, ये याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1956 में, कब मिला था? 1956 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। बालकिन शर्मा नवीन, उर्मिल और रश्मि रेखा और हम बिस्पाई जन्म के, ये याद रख लेना इनके। सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म फरुखाबाद में हुआ था। वीरों का कैसा हो बसंत, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और मुकुल और तिरधारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद कर लेना, मुकुल और तिरधारा ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हुए हैं आधुनिक युग में, बहुत बड़े कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख रचना है उर्वशी जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था,
1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रसवंती, ठीक है, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, ये याद रख लेना, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रगतिवादी कुछ कवि हैं, नागार्जुन है, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन है, रंगे राघव है, केदारनाथ अग्रवाल है, इनकी रचनाओं को भी देख लेना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ये चीजें। आप इनकी रचना, इसमें नागार्जुन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्या महत्वपूर्ण रहेंगे, नागार्जुन की देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, केदारनाथ अग्रवाल को देख लेना, और ये मिट्टी की बारात जो कि काव्य संग्रह है शिवमंगल सिंह सुमन का, ठीक है, कई बार पूछा जाएगा आपको सुमन किसका उपनाम है, शिवमंगल सिंह का, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की देख लेना, अपूर्वा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन की रचना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, ठीक है, प्रयोगवाद में आगे तार सप्तक में सबसे महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तार सप्तक की शुरुआत कब हुई थी, 1943 में, पहला तार सप्तक कब आया था, 1943 में आया था, कब आया था, 1943 में पहला तार सप्तक, 1900, और तार सप्तक का श्रेय कैसे जाता है, अज्ञेय को, अगर आपसे पूछा तार सप्तक की शुरुआत किसने की थी, अज्ञेय ने की थी, ठीक है, याद रखना तार सप्तक की शुरुआत किसने की थी, अज्ञेय ने, कितने तार सप्तक आए थे, चार, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में, चार तार सप्तक, और तार सप्तक की शुरुआत 1943 में किसने की थी, अज्ञेय ने, हीरानंद सजदानंद, सजदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय ने, सजदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय ने की थी तार सप्तक की शुरुआत, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन है, सजदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय की जो है कितनी नामों में कितनी बार, इसके लिए इन्होंने 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिंता इनकी रचना है, ठीक है, इतलयम ये याद रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध किसका नाम है, गजानन माधव का, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, धूल, और ये चीजें इनकी थोड़ी रचना है महत्वपूर्ण है। भरतभूषण अग्रवाल की कागज के फूल बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसे जरा देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जब तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ लेखक जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें मैं बता देता हूँ किस किस को देखना है आपको, धर्मवीर भारती जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, कनुप्रिया, पांडा युग, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, ठंडा लोहा भी, ठीक है, इसके बाद केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण देखना है, दो आप इनकी प्रमुख रचना है, भवानी प्रसिद्ध, मिस सतपुड़ा के जंगल, याद रखना, कालजयी, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, बुनी हुई रस्सी, ठीक है, नरेश मेहता, ठीक है, प्रभात पर महाप्रस्थान, संशय की एक रात इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है, ये देख लेना जरा, ठीक। इसके अलावा देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कूटियों पर टंगे लोग, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है, वो ये है, कैलाश वाजपेयी को हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, कैलाश वाजपेयी को देखेंगे, ठीक है, जो ये सारी चीजें हैं उनको जरा थोड़ा एक बार देख लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख ली होगी, तो यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं जरा थोड़ा सा, कि यहाँ पे रचनाएं जो महत्वपूर्ण है उन्हें हम बता रहे हैं, तो सबसे देखें कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, बहुत महत्वपूर्ण है ये रचना, पूछी जा सकती है, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमेल की रचना है, कल सुनना मुझे ये भी है, दूधनाथ सिंह अपनी शताब्दी के लोग के नाम, ये दूधनाथ सिंह की रचना है, प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास सम्राट कहा जाता है, इनके तो आपने सुने, गोदान, गबन, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, क्या है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, ठेठ हिंदी के ठाट, अधिकला फूल, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं, ठीक है, ये चीजें हम थोड़ा देख लेंगे ध्यान से। इसके अलावा जरा जो चीजें देखा, अब मैं बताता जाता हूं कि आपको क्या देखना है इसमें, ठीक है, और जो चीजें महत्वपूर्ण बताने वाली मैं बता दूंगा, देख लो, देवकी नंदन खत्री, जितने पे साइन लगे हैं उनको आपको जरूर देखना है, जितने पे टिक किया हुआ है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है उनको आपको एक बार देखना है,
अमृतलाल नागर हैं, यशपाल हैं, सचिदानंद हीरासन बादशाह हैं, नग्गे हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जैसे इसमें जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश, ये इनकी देखना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो रचना है लेखक की वो दी गई है। इसके अलावा जरा थोड़ा यहाँ से देखेंगे हम, जब तो यहाँ पे देखेंगे शरतचंद्र देवदास, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की है, ठीक है। फांस सर्कस याद रख लेना, संजीव का है, सर्कस किसका है, संजीव का है, ठीक है। ठीकरे की कागज की नाव जरूर याद रखना, कागज की नाव, कागज की नाव, नासरा शर्मा। पारिजात, पारिजात नहीं है यहाँ, पारिजात है, क्या है, पारिजात, पारिजात की लेखक है नासरा शर्मा, ठीक है। काशी का अस्सी, ठीक है, और रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह की रचनाएं हैं, ये याद रखना, ठीक है। स्वजान एक सुजान, स्वजान एक सुजान बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण भट्ट की है। जिंदगी नामा जिंदा रुख, कृष्णा सोबती है, सूरजमुखी के अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती है, कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। कुछ लेखक है प्रेमचंद, ये सबसे सब सारे महत्वपूर्ण लेखक हैं, आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेमचंद के अलावा आप पढ़ेंगे किसे, जयशंकर प्रसाद को, दूधनाथ सिंह को, भीम सहनी को, चंद्र शर्मा गुलेरी को, ये सब जितने भी हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इनको एक बार इनकी रचनाएं देख लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी ये लेखक हैं इसमें, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे, उषा राजे, जिन पर भी हाईलाइटेड है, जिन पर भी हाईलाइटेड है, उन्हें एक बार बस आप देख लीजिए, आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा, आपको एग्जाम में इसका क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। जहां जहां हाईलाइटेड है, जहां जहां हाईलाइटेड है, उसे एक बार देख लीजिए, जरूर देख लीजिए, आपको इसका फायदा मिलेगा। मन्नू भंडारी, बिना दीवारों का घर, ठीक है, याद रखना। नहुस जो कि पहला नाटक था उसके बारे में, कर्मभूमि, उपन्यास के प्रेमचंद है, ठीक है, ये सब आपको पता ही है, ये जरा एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए, आकर सबसे महत्वपूर्ण चीज एक इसमें क्या है कि सिद्ध कवि कितने हैं, सिद्धों के कितने कवि हैं, 84, याद रखना, सिद्ध कवि कितने हैं, 84 हैं, सिद्धों में कितने कवि, 84 हैं, जिनमें की 80 कवि जो हैं, 80 कवि जो हैं वो क्या हैं, वो पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। सिद्धों में 80 कवि थे, 84 थे टोटल, अगर आज सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्धों की संख्या थी 84, जिसमें 80 पुरुष थे, 4 महिलाएं थी। एक अब चार महिलाएं जो पूछी जा सकती है बहुत महत्वपूर्ण, वो कौन कौन सी हैं, एक है कनकलापा थी, लक्ष्मा करा मणिभद्रा और मेखलापा, ये याद रखने, ये 4 महिलाएं थी, ठीक है। आप देख लीजिए सिद्धों की संख्या 84 थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप जो महत्वपूर्ण है उन पर टिक किया हुआ है पहले ही से, आप देख लेना जरा, बहुत महत्वपूर्ण ये रचनाएं होंगी आपके लिए, ठीक है, आप एक बार इन्हें जरूर देख लीजिए, ठीक है। जैसे हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना, मिट्टी की बारात श्रीमंगल सिंह सुमन अभी पढ़ा है, कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है ये, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर हैं, माटी की मूर्तें रामब्रज बैनीपुरी हैं, लहरों के राजहंस मोहन राकेश हैं, तमस भीष्म साहनी हैं, भूतनाथ देव, सूरज का साथ भगोड़ा धर्मवीर भारती हैं, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती हैं, अंधा कुआ लक्ष्मीनारायण लाल हैं, ठीक है, थीके? ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी, ठीक है। जितनी मेरी असफलताएं राहुल संक्रात्यन है, ठीक है, प्रेम पथिक वियोगी हरि है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, ठेले ध्रुव स्वामी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, यामा ये तो सब आपको पता ही है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा है, मृगावती कौन थी, कुतुबुंद, ये मृगनयनी है, याद रखना, मृगावती और मृगनयनी में कंफ्यूज नहीं होना है, मृगनयनी और मृगावती, भक्तमाल के नावादास हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गुरु और शिष्य के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य के कौन थे, विष्णु स्वामी थे, रामानंद के 12 शिष्य थे, रामानंद के कितने शिष्य थे, 12, याद रखना, रामानंद के 12 शिष्य थे, कबीर थे, धन्ना थे, ये सारे रैदास थे, सेना थे, पीपा थे, पद्मावती, सुरसरी, आनंददास, सुखनंददास, ये सब रामानंद के, पूछा जाएगा रामानंद के कितने शिष्य थे, तो रामानंद के 12 शिष्य थे, कितने शिष्य थे, 12 शिष्य में कबीर, धन्ना, रैदास, सेना और पीपा, ये प्रमुख थे, ठीक है, ठीक है, ये याद रहे। इसके अलावा देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि नारद मुनि किसके गुरु थे, तो निम्बार्क के नारद मुनि थे, मीराबाई के रैदास थे, मीरा के गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, रैदास थे, मीरा के गुरु कौन थे, रैदास थे, ये चीज आपको देखनी है जरा ध्यान से। इसके बाद आ जाइए बाबा नरहरिदास, तुलसीदास के गुरु थे,
बाबा नर हरिदास ये तुलसीदास के गुरु थे, मलिक मोहम्मद जायसी के शेख मोहिदी थे, नावादास के अग्रदास थे, अग्रदास के कृष्णदास थे, दादू दयाल रज्जब अली के थे, शेख बुरहान कुतुबुन के थे। ये सब गुरुओं के नाम है, इसे एक बार एक नजर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस बार साहित्यकारों के उपनाम है कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरा देखिए एक बार। ठीक है, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तूती कहा जाता है, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, अभिनव जाधव भी जयदेव भी कहते हैं, हिंदी का प्रथम कवि या सिद्धों का प्रथम कवि कौन था, सराफा थे, इसे हिंदी का प्रथम कवि या इसे अपभ्रंश के पहले कवि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद थे। ठीक है, सूरदास इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज या अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, बाल काल के बाल चित्रण के प्रमुख कवि भी सूरदास हैं। ठीक है, अंचल रामेश्वर शुक्ल को कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, शिवमंगल सिंह उग्र को कैसे कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, अबुल हसन अमीर खुसरो को अबुल हसन कहा जाता है। ठीक है, बीरबल महेश दास इनका नाम था, प्रेमचंद धनपत राय था, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है, अपभ्रंश के भवभूति पुष्पदंत है। ठीक है, ये चीज जरा ध्यान देंगे, कौन कौन अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है और अपभ्रंश के भवभूति कौन है, ये चीजें हम थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शिव प्रसाद सिंह को क्या कहा जाता है, सितारे हिंद कहा जाता है, ये चीज जरा देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए, इसके अलावा देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं जो अब आ जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1955 से इसकी शुरुआत हुई, 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24। 1955 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, पहली बार 1955 में मिला था, सॉरी मैंने उधर 1956 लिखा दिया था, माखनलाल चतुर्वेदी को ये 1955 में मिला था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये जो महत्वपूर्ण है वो आप लिख लेना, उनमें थोड़ा जान लेना, सब जरूरी नहीं है जो मैंने बताए हैं, जो मैं बता रहा हूं बस वही आप देख लेना एक बार ध्यान से। तो सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसके अलावा ये 59 का महत्वपूर्ण रहेगा, इसके अलावा 1960 1961 का। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वो आप जरा थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण है सबसे वो क्या क्या है, ये जितने भी साइन टिक लगे हुए हैं जो, वो सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इनको एक बार जरूर देख लिया, ये 1993 का अर्नाडीश्वर विष्णु पिवारकर को भी ये देख लीजिएगा। ठीक है, और ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्या है इसमें जरा देखिए जरा ध्यान से, कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चीज है, पत्र और पत्रिकाएं उनके संपादक, ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कहां से संपादन हुआ ये भी महत्वपूर्ण है थोड़ा, आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि पत्र और पत्रिका और उसका संपादन कहां से हुआ है। ठीक है, तो जरा हम एक बार देखेंगे इसमें। सबसे पहले बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के संपादन किया था इसका, ठीक है, कलकत्ता से होता है। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला पत्र है, कानपुर से इसका प्रकाशन है और पंडित जुगल किशोर करते हैं। ठीक है, नहीं, महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन होता है, ठीक है, कलकत्ता से ही होता है, सॉरी कलकत्ता से ही इसका प्रकाशन है, तो ये याद रखना है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हंस याद कर लेना, हिंदी प्रदीप बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, प्रेमचंद और बालकृष्ण भट्ट, हंस के संपादक प्रेमचंद ने, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा याद रखना प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, कई वचन सुधा इसके कौन है, कई वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र है, कानपुर से इसका प्रकाशन है, नागरी पिछाड़ी सभा श्याम सुंदर दास है, हंस का पुनर्प्रकाशन राजेंद्र यादव जो दिल्ली से कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो मैंने बताई वो तो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आनंद कादम्बनी देख लेना, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, मिर्जापुर से इसका संपादन होता था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ये थोड़े साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, आप इसे देख लेना एक बार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार को देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है जो कि हिंदी साहित्य या अन्य साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में, कब हुई थी 1965 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसमें 11 लाख की इनामी राशि दी जाती है, ये आप चीज बाघ देवी की एक प्रतिमा दी जाती है, ये चीजें आप जरा याद रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए तो किसे किसे सबसे पहले मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब हम बात करें तो 1968 में ये चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले हिंदी में मिला, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1965 में जो मिला था
वो मिला था जी शंकर कुरूप को। किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए मिला था। लेकिन चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को मिला था। 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बासाई नंगे को मिला। यामा के लिए 1982 में महादेव वर्मा को मिला। फिर 1982 के बाद ये पुरस्कार जितने भी हैं वो संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगे। इसमें नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, गुरुदयाल सिंह, इन सबको अलग अलग समय में ये पुरस्कार मिला है। ये आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्यास सम्मान पे। व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ के बाद दूसरा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो चीजें आप जरा देख लीजिए एक बार, ठीक है। 1900 जैसे कि 1991 का, 1992 का, इसके अलावा 1999 का, इसके अलावा आप 2002 का देख लीजिए, 2003 का, 2004 का, और इसके अलावा 2007 का कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए, और इसके अलावा नरेंद्र कोहली ना भूतो ना भविष्यति, यानी नरेंद्र और विराट कोहली, नरेंद्र मोदी और विराट कोहली के ना भूत में इन जैसा कोई था ना भविष्य में इन जैसा कोई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद कर लेना थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा आप देखते जाएं, दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को, कागज की नाव के लिए नासा शर्मा को 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सरस्वती सम्मान, तो पहला सरस्वती सम्मान सुमित्रानंदन पंत को मिला था, ये चीज याद रखेंगे, और भी इसमें देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं जिन्हें भारत भारती सम्मान दिए गए। पहला भारत भारती सम्मान 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था, ठीक है। मंगला प्रसाद पारितोषिक महादेवी वर्मा को मिला था, ठीक है। ये चीज जरा पहला पहला इसका याद कर लीजिएगा। इसके अलावा देखेंगे हिंदी के प्रथम कवि जो है वो सरापा है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है, इंदुमती है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो हरिओद ने लिखा है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखेंगे, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता है अमीर खुसरो है, जिन्होंने खड़ी बोली का जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हिंदी की का प्रथम यात्रा वो सरयू पार की यात्रा है। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है उद्यंत मार्टन, पंडित जुगल किशोर है। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदपूर्ण लेखन कवि है अमरस खान है, ठीक है। ये चीज आप जरा याद कर लेना एक बार, एक बार यदि अच्छे से देख लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। हिंदी की प्रथम शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय काशी हिंदू। हिंदी का प्रश्नातक कक्षा, ये तो महत्वपूर्ण नहीं उतना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक सुमित्रानंदन पंत है। इसके अलावा पद्मावत किस भाषा में कौन से लिखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगगा। पद्मावत अवधि भाषा में है, रामचरितमानस अवधि भाषा में है, रामायण है संस्कृत में, कवितावली ब्रज में, सूरसागर ब्रज में, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा है। प्रिय प्रवास किसका है, हरिओद केशव दास का है, ठीक है। ये याद रखेंगे। पृथ्वीराज दासो ब्रज भाषा में, विद्या सुंदर बांग्ला भाषा में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ उपन्यास हैं जो ऊपर, उन्हें आप थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये देखो, ये पहली कहानी है, पहला लेखक किसकी पहली कहानी क्या है, ये आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब थोड़ी चीजें जो महत्वपूर्ण हैं अब हम उनको देख लेते हैं, जैसे ये, ठीक है, कि हिंदी में सबसे जाली वाली बोली भाषाओं में इसी एक क्रम है भारत में, ठीक है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का ये क्रम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कर लीजिए। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का जो क्रम है, हिंदी है, बांग्ला दूसरे नंबर पर है, मराठी तीसरे नंबर पर, तेलुगु चौथे नंबर पर, पांचवें पर तमिल है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है, ये आप थोड़ा याद कर लेंगे। हिंदी में कितनी बोलियां हैं, हिंदी में 18 बोलियां हैं, ठीक है, आप इनको याद कर लेंगे। ये हिंदी का थोड़ा, हिंदी की अपभ्रंश क्या है, सौर सैनी है। हिंदी की अपभ्रंश क्या है, सौर सैनी है। और ठीक है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी वियोगात्मक है, संस्कृत संयोगात्मक है, ये चीज याद रखेंगे। हिंदी में 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं, उनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां देखें, खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, जिसे हम हरियाणवी कहते हैं, क्या कहते हैं, डूंडाड़ी जयपुरी को, ये राजस्थानी हिंदी में आएंगे, डूंडाड़ी जिसे जयपुरी का के नाम से जाना जाता है, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ये तो आप देख ही लेंगे, बिल्कुल राजस्थानी लग रहे हैं सारे नाम, ठीक है। बिहारी हिंदी की अपभ्रंश क्या है, मागधी है, जिसे मैगी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी की अपभ्रंश है, अर्धमागधी, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी एबीसी आती है। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी, पहाड़ खसखसा गए, खस हो गया, पहाड़ खसक गए यानी खस हो गया, तो
तो इनकी अपभ्रंश है खस, गढ़वाली, कुमाऊनी और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी नेपाली हिंदी। क्या मिलेगी? नेपाली हिंदी, इसको बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न जरूर है, आप जरूर देख लिया, जैसे आपसे पूछा है अवधि की अपभ्रंश क्या है, तो पूर्वी हिंदी की अपभ्रंश जो होगी वही अवधि की अपभ्रंश होगी, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा मैथिली की अपभ्रंश क्या है, तो जो मागधी है वो बिहारी की भी है, मैथिली की भी है, ये चीजें जरा आप देख लेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है बहुत। सबसे लास्ट में अब आप देख लेंगे थोड़ी चीजें हैं जो ये है, मराठी भाषा का विकास किससे हुआ, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, लहदा और पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से, ठीक है, लहदा और पंजाबी का किससे हुआ है, पैसाची से, ठीक है। इसके अलावा ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ, ब्राचड़ से, इन सब की देख लेंगे, ठीक है। और हिंदी की क्या है, सौरसेनी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 एक में है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है हमारे ये विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, इनको जरूर देख लीजिए एक बार कि कौन सा हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहां पर हुआ, ठीक है। सबसे पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को कहां हुआ था, 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 को नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, सबसे पहला हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी के बीच नागपुर में हुआ था भारत में, तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर आधारित 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 के बीच हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक साल हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस हमने मनाना कब से शुरू किया, ये हमने शुरू किया 2006 से, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय से शुरू किया। तो कुछ सम्मेलन है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें जरा याद कर लेना एक बार ध्यान से, कौन कौन से। पहला देखो, दूसरा सम्मेलन कहां हुआ, ये हुआ 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ, मॉरिशस वो देश है जहां हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। फिर तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ 1983 में, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। चौथा सम्मेलन 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। पांचवा सम्मेलन 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन, जैसे त्रिनाद एवं टोबैगो वेस्ट इंडीज के पास है, वहां हुआ। छठा सम्मेलन देखेंगे, ये हुआ 1999 में लंदन यूके में हुआ। कहां पे हुआ, लंदन यूके में हुआ, ये आप देखेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा सातवां सम्मेलन जो देखेंगे ये 2003 में हुआ, सातवां सम्मेलन 2003 में ये पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। आठवां सम्मेलन जो है ये 2007 में हुआ, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नौवां सम्मेलन जो है वो 2012 में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दसवां सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ। ग्यारहवां सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। और बारहवां सम्मेलन जो 2021 में नहीं, ये 2023 में हुआ। कब हुआ, 2023 में हुआ, और ये कहां हुआ, ये हुआ आपके नाडी में, नाडी जो कि फिजी में है। कहां पे है, फिजी में। ये हुआ 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी फिजी में हुआ था। ये 12वां सम्मेलन था जो 2023 में हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ विश्व हिंदी सम्मेलन थे जिनसे प्रश्न आ सकते हैं, और जितना भी मैंने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। जो जो चीजें दी हैं पीडीएफ आपकी इसको मिल जाएगी, उस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर जाइए एक बार, जिन पर हाईलाइटेड है, जिनको डार्क से लिखा गया है, जिनको डार्क से दर्शाया गया है, उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपके पेपर में कल और परसों के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर जरूर दीजिए, और इसे एक बार रिवाइज जरूर करके जाइए, आपको गारंटी से फायदा मिलेगा, ये मेरा कहना है, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार फिर से कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही उम्मीद बनाए रहिए, ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आपको तरोताजा करके एकदम से जाइए, गारंटी से आपको सफलता मिलेगी, आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि जिन्हें पाना है मुकाम उन्हें कौन रोक पाया है, जिन्हें पाना है मुकाम उन्हें कौन रोक पाया है, नदियां सूख जाएं फिर भी सागर को कौन सोख पाया है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।